हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अब इन द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो में बात करने वाले कि बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स का कहना है कि iOS 18 को हमारे आईफोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने भी अपने आईफोन या तो आईपैड के अंदर iOS 18 का अपडेट को इंस्टॉल करने का ट्राई किया बट स्टिल वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशंस नंबर वन है कि आपको सबसे पहले आईफोन का स्टोरेज चेक करना होगा। उसके लिए सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको जाना होगा जनरल के अंदर। यहाँ पे आईफोन स्टोरेज के अंदर अनवेटेड फाइल्स, फोटोज, वीडियोस हो तो आपको सिंपली उसको डिलीट करके आपको आईफोन स्टोरेज को फ्री स्पेस करना होगा। आईफोन स्टोरेज को फ्री स्पेस करके फिर से अपने आईफोन के अंदर iOS 18 को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना होगा। सॉल्यूशंस नंबर टू की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद आपको जाना होगा वाईफाई के अंदर। यहाँ पे आपके वाईफाई की स्पीड नहीं आ रही है तो सिंपल आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई से अपने आईफोन को कनेक्ट करने के बाद फिर से अपने आईफोन के अंदर iOS 18 को इंस्टॉल करने का ट्राई कीजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशंस नंबर थ्री है कि आपके आईफोन के अंदर बैटरी लेवल को चेक करिए। iOS 18 को अपडेट करने से पहले आपकी आईफोन की बैटरी एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए और इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको प्लग इन करके चार्ज करता रहना है। सॉल्यूशंस नंबर फोर की बात करें तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको जनरल में जाना होगा। वहां पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शंस मिलता है ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन का। वहां पे आपको रीसेट के अंदर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स में आपका आईफोन का पास कोड एंटर करके फिर से रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर दीजिए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि फोर्स रिस्टार्ट योर आईफोन। उसके लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रिलीज करना होगा, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रिलीज करना होगा, उसके बाद आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक आपकी आईफोन की स्क्रीन पे एप्पल लोगो ना दिखे। जैसे ही एप्पल लोगो दिखे तो आपको अपने बटन्स को रिलीज करके इजिली आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा और फिर से ट्राई करिए, आपका iOS 18 का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।